बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, कौन शख्स है जो अपने जिस्म या चेहरे पर बुढ़ापे के आसार देखना पसंद करेगा, मगर उम्र का एक ऐसा दौर भी आता है जब शख्सियत के हवाले से तशवीश बढ़ने लगती है। मगर कुछ गजाएँ ऐसी होती हैं दोस्तों जो आपको इन फिक्रों से निजात दिला सकती हैं, और आज के वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी गजाएँ बताऊंगा जो न सिर्फ मोटापे और जिस्मानी दफाई निज़ाम को काबू में रखेंगी, बल्कि इनके चंद फ़ायद ऐसे होते हैं जो आपके चेहरे और जिस्म को झुर्रियों से तहफ़ दिए रखेंगे और चेहरे पर हमेशा ग्लो बनाए रखेंगे, बालों को चमकदार बनाएंगे और पूरे इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखेंगे और बुढ़ापे की अलामात को आपसे दूर रखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मुजर्रब देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह उन गजाओं के बारे में पता चल सके। तो आप आते हैं उन ऐसी गजाओं की जानब जिनको इस्तेमाल करने से आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहोगे। नंबर एक पे आती है दोस्तों कॉफ़ी। हर सुबह कॉफ़ी का एक कप ना सिर्फ दिन का आगाज़ पुरमसरत बनाता है, बल्कि इसके हयातियाती तौर पर मुतहरक अज़ा आपकी जिल्द को रसौलियों से भी तहफ़ देते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों की जिल्द को ढलकने से बचाता है और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आने देता, जबकि कैंसर का खतरा भी कॉफ़ी के इस्तेमाल से कम हो जाता है। नंबर दो पे है प्यारे नाज़रीन तरबूज। मौसम गर्मा में प्यास बुझाने वाला ये फल लाइकोपीन नामी जूस से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जूस तरबूज और टमाटर को सुर्ख रंग देता है और जिल्द को सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसान से बचाए रखता है। इसके अलावा तरबूज में टमाटर के मुकाबले में 40% ज़्यादा नबाताती केमिकल पाया जाता है जो सन स्क्रीन की तरह आपकी जिल्द की चमक दमक को बरकरार रखने में काफ़ी मददगार साबित होता है। नंबर दो पे है प्यारे दोस्तों अनार। इस जादू असर फल के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होते हैं और चेहरे को झुर्रियों, खुश्की और दीगर अबारत से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल दरमियानी उम्र में जिल्द को खुश्की और झुर्रियों के अमकान से बहुत हद तक बचाए रखता है। इसके अलावा अनार का इस्तेमाल जिल्द को पुरकशिश बनाने में और सूरज की शुआओं से बचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। नंबर चार पे है प्यारे दोस्तों ब्लूबेरीज। ये फल चेहरे की सुर्खी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इस फल में मौजूद विटामिन सी और ई जिल्द को जगमगाते हैं और हल्कों वगैरह का मुकाबला करते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले दीगर अज़ा जिल्द की रंगत को संवारने निखारने में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं और आपके चेहरे पर ग्लो को बनाए रखते हैं और चेहरा निखारने में कमाल इसमें कुदरत ने अज़ा रखे हैं। नंबर पाँच पे है प्यारे नाज़रीन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। पालक से लेकर साग तक ये ताकत के खजाने से भरपूर सब्जियां कैरोटीन नामी जूस से भरपूर होती हैं जो जिल्द के खुलियात को तहफ़ देने के साथ साथ इनमें नमी को बरकरार रखने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती हैं और जिल्द को होने वाले नुकसान से भी बचाई रखती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए भी इन सब्जियों को अहम तसव्वुर किया जाता है। नंबर छः पे हैं नाज़रीन अंडे। अंडे आपकी उंगलियों के नाखन प्रोटीन से बनते हैं तो साफ जाहिर है जिसमें प्रोटीन की कमी उन्हें कमज़ोर कर सकती है। इससे तहफ़ के लिए अंडों का इस्तेमाल ज़बरदस्त है जो विटामिन बी कम्प्लेक्स से भरपूर होते हैं जो जिस्म में प्रोटीन की कमी नहीं होने देते। इसके अलावा अंडों में शामिल प्रोटीन से ब्लड प्रेशर में कमी आती है और अमराज़ कल्ब का ख़तरा भी कम हो जाता है। नंबर सात पे हैं प्यारे दोस्तों अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें कॉपर की मकदार भी काफ़ी
ज़्यादा पाई जाती है, जो जल्द और बालों की कुदरती रंगत को बरकरार रखने में मददगार साबित होती है, जबकि इस मिनरल की कमी आपके बालों को कबल अज वक़्त सफ़ेद कर सकती है। नंबर 8 पे है प्यारे दोस्तों आम। आम बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जो आपकी जिल्द को अपनी मरम्मत खुद करने की सलाहियत देता है और चेहरे पर झुर्रियों की आमद को भी रोकता है। इसके अलावा जिल्द को मुलायम रखने के लिए भी इस मज़ेदार फल का इस्तेमाल अहमियत रखता है। इसके अलावा आम में विटामिन ए भी होता है, जो खुलियात को तहफ़ देकर उन्हें तनजली से बचाता है। इसके बाद आता है खरबूजे। खरबूजों में भी बीटा कैरोटीन और विटामिन ए पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ आपके सर के जिल्दी खुलियात की नशोनुमा को कंट्रोल करते हैं, बल्कि जिल्द की ऊपरी तह की चमक भी बढ़ाते हैं। ये चेहरे पर जिल्द को मुर्दा होकर पर्त की शक्ल में भी तब्दील नहीं होने देता। इसके अलावा खरबूजे का इस्तेमाल आपके गुर्दों के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके लगातार इस्तेमाल से आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक रहते हैं और उनको ख़राब होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके गुर्दों में छोटी मोटी कोई पत्थरी होगी या रेत वगैरह होगी, तो ये खरबूजे में ये अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है कि ये आपके गुर्दों में से रेत और पत्थरी वगैरह को भी खारिज कर देगी। तो नाज़रीन, आप लोगों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।